अगर आप मेरी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, टुडे प्रीड्रेस की जान से महताब खान। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फेसबुक के ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। 10 ऑसम सुपर अमेजिंग ट्रिक्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आज से पहले ये ट्रिक्स आपको किसी ने नहीं बताए होंगे, तो चलते हैं बिना टाइम को भाई। ये पहले बता रहा हूँ, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो काइंडली इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये सब ट्रिक्स आपको पसंद आएंगी। तो चलते हैं अपने फेसबुक पे। तो सबसे पहले जो मेरी ट्रिक्स है या जो है, ये हमें सबसे ज़्यादा जो दुश्वारी पेश आती है वो यही आती है कि हम जो बहुत ज़्यादा फेक अकाउंट से हमें रिक्वेस्टें आ रही होती हैं या कुछ, तो हम उसे कैसे चेक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको उसके लिए एक ट्रिक बताऊंगा जिसको आप करके आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, इजीली आप किसी का भी वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये फेक अकाउंट है या रियल अकाउंट है। तो चलते हैं, अब यहाँ पर आप कोई भी लिख लें, मतलब किसी भी, अगर मैं लिखता हूँ अनाया लिखता हूँ, तो यहाँ पे बहुत से ऐसे अकाउंट आ जाएंगे। तो ये अब देखता हूँ मैं यहाँ, तो ये एक अनाया लीग खान के नाम से एक ये अकाउंट है। तो अब मैं सजेस्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ इसकी प्रोफाइल पिक को, और उसके बाद उसको मैं सेव फोटोज़ कर देता हूँ। तो ये करने के बाद तो अब ये पिक सेव होने के बाद मैं जस्ट गूगल ओपन करता हूँ, और आप गूगल क्रोम ओपन कर लें, नहीं तो अगर आपके पास कोई कंप्यूटर नहीं है तो आप अपने मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन में भी कर सकते हैं। सिर्फ आपने 3 डॉट में जाके यहाँ पे रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट, इसको आपने ओके क्लिक कर लेना है। उसके बाद अब ये ऐसा लेआउट आ जाएगा, उसके बाद आप सिंपल इमेज में चले जाएँ, इमेज को क्लिक कर देना है। उसके बाद अब यहाँ पे आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने करना ये है ये कि कैमरे वाला जो बटन है इसको क्लिक कर लें, अपलोड एन इमेज कर दें और चूज़ फाइल कर लें। अब ये चूज़ फाइल में अलाउ करता हूँ, तो जो अब मैंने ये अपलोड कर दी है इमेज। अब इसके बाद ये देखें इस नाम के कौन सिमिलर इमेजेस आ गई हैं, कि ये बेसिकली परवेशा अबरार की, और ये एक किस्म का शोबाज, और ऐसे कोई मॉडल ही है जो ये जिसकी तस्वीरें की कोई कॉपी करके अपने वहाँ पे लगा रहा है, अपनी डीप में लगा रहा है। तो आप ऐसे इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये मतलब 80 से 90% के ये ओरिजिनल अकाउंट है कि फेक है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है वो है नियर बाय फ्रेंड्स। तो नियर बाय फ्रेंड्स करने के बाद आपको यहाँ पे टर्न ऑन कर लेना है, और जहाँ कहीं पे भी आपको, मतलब आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप जहाँ पे आपके कितने किलोमीटर या कितने मीटर आपके जो फ्रेंड्स है वो कहाँ पे, और आप यहाँ से इस ऐप्स के थ्रू ये भी जान सकते हैं, इस फीचर के थ्रू ये भी जान सकते हैं कि आपका जो फ्रेंड्स है वो कहाँ कहाँ ट्रैवलिंग कर रहा है, कहीं आउट सिटी गया हो या कहीं पर गया हो, तो आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट फीचर है, नेक्स्ट ट्रिक है, वो ये है कि नियर बाय प्लेस। अब आप बाज़कात कहीं पे आप चले जाते हैं, कोई अदर सिटी चले जाते हैं, तो आपको पता नहीं होता है कि यहाँ पे कोई अच्छा रेस्टोरेंट या क्या चीज़, मतलब मेरे इर्द गिर्द क्या चीज़ है, मुझे उसका पता नहीं होता, शॉपिंग होटल। तो ये आप इसमें भी आप GPS ऑन कर लें, तो उसमें ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि आपको कहाँ पे रेस्टोरेंट अच्छा मिल जाएगा, कहाँ पे शॉपिंग मॉल अच्छा मिल जाएगा। तो ये चीज़ें एक बहुत ही अच्छा ये भी फीचर्स है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है वो है स्वैप नाम की ऐप है, फास्ट और फेसबुक मैसेंजर है। तो ये डेफिनेटली इसमें होता है क्या, तकरीबन 80 से 90% जो वेबसाइट्स की रिपोर्ट्स कह रही हैं कि जो आपके फेसबुक मोबाइल में जो इंस्टॉल होता है फेसबुक और मैसेंजर, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके मोबाइल की बैटरी टाइमिंग और बैटरी को मतलब कंज्यूम करता है, और आपके जो मतलब बैक एंड पे जो आपके CPU उसका प्रोसेसर की जो स्पीड होती है उसको भी वो काम करता है। तो इसलिए या तो आप फेसबुक लाइट और मैसेंजर लाइट कर लें, नहीं तो आप स्वैप फॉर फेसबुक मैसेंजर कर लें। ये भी सेम आपको फेसबुक जैसे ही लेआउट प्रोवाइड करता है, फंक्शनैलिटी सेम ऐसे ही आपको देता है, तो आप ये भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट
टिप है, ट्रिक है, वो ये है कि बुफर सोशल मीडिया ट्विटर। तो बास का ये भी होता है कि यार हमने कोई स्पेसिफिक टाइम में पोस्ट करनी है फेसबुक पे या ट्विटर पे, तो आप वो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आपको ये बुफर एक ऐप है, ये आपने डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद आप इसको अपने मोबाइल में ओपन करें और टाइम सेट करें, जो भी आपने पोस्ट लिखना है तो वो आपके उसी टाइम में, जिस जो टाइम आपने सेट किया होगा उसी टाइम के अंदर आपके वो पोस्ट अपडेट हो जाएगी। अगर आप फ़र्ज़ करते हैं कि यार मैंने ये रात को करनी है और रात को मेरे पास, मतलब रात को मेरे पास टाइम नहीं होगा, तो आप शेड्यूल में रात का टाइम दे के पोस्ट दे के तो वो आपके ओके कर दें, तो वो रात के उस टाइम, जिस जो टाइम आपने दिया होगा उस टाइम वो अपडेट हो जाएगी, वो आपकी पब्लिश हो जाएगी पोस्ट। तो ये भी एक अच्छी ऐप है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिप की तरफ, नेक्स्ट ट्रिप की तरफ। और जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है वो ये है कि आप कोई भी अब ब्लैंक पोस्ट नहीं कर सकते हैं फेसबुक पे। तो ये देखें, जैसे मैं ओपन किया तो पोस्ट नहीं होगी क्योंकि ब्लैंक पोस्ट आप फेसबुक पे नहीं कर सकते। तो अगर आपने ब्लैंक पोस्ट करनी है तो वो आप कैसे करेंगे? तो सिंपल, आपने अपने कीबोर्ड जो है वो एट अ रेट, उसके बाद आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लें ब्रैकेट, उसके बाद आप यहाँ पे वन और सेमी कॉलम वन और यहाँ पे हैश कर दें, हैश नहीं सॉरी, यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दें, एक मिनट, यहाँ पे मैं नंबर एक दफ़ा और कर, हाँ ये। उसके बाद आपने ये कोड करके उसके बाद इसको पोस्ट आप करेंगे तो ये आपकी ब्लैंक पोस्ट शो होगी आपके फ्रेंड्स को और आपको जो, तो ऐसे आप करके आप अब ब्लैंक पोस्ट भी कर सकते हैं फेसबुक पे। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है वो ट्रिक है वो यही है कि अगर आपने कहीं पे अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन किया हुआ है, तो आप वहाँ अगर लाइट चली गई है कंप्यूटर पे, कहीं रिलेटिव्स में कहीं पे भी फ्रेंड्स की तरफ गए हैं, तो वहाँ पे आप उनके पीसी में अगर आपने अपने आईडी ओपन किया तो अगर वहाँ पे लाइट चली गई है तो आप घर में आ गए, तो अब आपको डाउट रहेगा कि यार शायद कहीं वो मेरी आईडी ना चला रहा हो, या कोई ऐसे मेरे किसी को नुकसान ना पहुंचा दे मेरी आईडी के थ्रू। तो वो आप कैसे लॉग आउट वहाँ पे उसके जो मैनेज कर सकते हैं अपने लॉगिन, तो वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो आपने सिंपल करना क्या है, आपने सिंपल करना ये है कि आपने अकाउंट सेटिंग्स में जाना है, अकाउंट सेटिंग्स के बाद आपने सिक्योरिटी और लॉगिन में जाना है। सिक्योरिटी और लॉगिन में ये देखें, अब यहाँ पे ये जितने भी मेरे लॉगिन्स हैं ये देखें यहाँ पे ये शो हो रहे हैं। अगर ये सेम और मैं करता हूँ तो ये बहुत से यहाँ पे ये लॉगिन शो हो जाएंगे। तो जहाँ जहाँ पे मैंने अपने किस टाइम और किस डेट और किस लोकेशन और किस विंडो या किस एंड्रॉयड पे मैंने यूज़ किया है, तो यहाँ से मुझे सारी डिटेल मिल जाएगी, ये देख लें। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो लॉग आउट ऑल सेशन कर सकते हैं, या एक एक करके आप जो आपको लगता है कि इस पे लॉग आउट हो जाए तो वो आप लॉग आउट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है वो एक प्रैंक है, मतलब ये है कि आप किसी के साथ मजाक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ कि कोई भी, अगर मैं पोस्ट यहाँ पे करता हूँ कि मेरा अब ये मैंने जैसे लिखा है मेरा मोबाइल चोरी हो गया और ये चोर की आईडी है वापस नहीं कर रहा, आप प्लीज़ इसको रिक्वेस्ट कर दें, शायद आपकी बात मान जाए। तो यहाँ पे अब मैं सिंपल एक लिंक देता हूँ, www.facebook.com/profile.php। अब मैं यहाँ से करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ इज़ इक्वल टू करता हूँ, इज़ इक्वल टू के बाद मैं यहाँ पे कोई भी अगर नंबरिंग करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं कोई भी नंबर और ऐसे ही अगर मैं पोस्ट कर देता हूँ, तो वो अगर यहाँ पे वो आईडी पे क्लिक करेगा तो ये लिंक पे क्लिक करेगा तो उसको उसकी अपनी आईडी ओपन हो जाएगी, और ये एक किस्म का प्रैंक है। तो ये भी एक उम्मीद, ये भी एक आपको अच्छा एक टेप और ट्रिक लगी होगी हमारी, कोशिश आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है वो ये है कि हम अपने फेसबुक अकाउंट पे कैसे, मतलब लिंक करवा सकते हैं अपना ट्विटर अकाउंट या अपना जो भी आप सोशल मीडिया अकाउंट्स आप यूज़ करते हैं, वो आप कैसे फेसबुक पे उसका लिंक ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल आपने जाना है अबाउट में, और उसके बाद आपने, मैं आपको बताता हूँ, आपने मोर अबाउट यू में जाना है।
मोर अबाउट यू में जाने के बाद अब आपने करना क्या है? अब आपने करना सिंपल यही है कि आपने एडिट कॉन्टैक्ट इन्फो में जाना है। उसके बाद अब आप यहाँ पे, मैं आपको नीचे, आप सोशल मीडिया अकाउंट, अब यहाँ पे ऐड सोशल मीडिया आप जो जो यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, स्नैपचैट यूज़ करते हैं, जो जो आप सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पे उसमें ऐड कर सकते हैं, वो लिंक आप ऐड कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है वो है सेफ होस्ट। तो काफ़ी लोगों को पता होगा सेफ होस्ट का और काफ़ी को नहीं पता होगा। तो जिन उनको नहीं पता है सेफ होस्ट का, उनका उन्हें मैं बता रहा हूँ, मेरी ट्रिक उनके लिए। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये सेफ होस्ट है। तो बास का तो आपको, आप अगर मसरूफ़ होते हैं कहीं पे, आप जा रहे होते हैं और आपको लगता है कि यार मैंने अगर ये चीज़ किसी को दिखानी है, तो वो अगर आप सेव नहीं करना चाहते अपने मोबाइल फ़ोन में, तो आपको सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेव पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेव पोस्ट, और फिर यहाँ सेव पोस्ट करने के बाद आप यहाँ से 3 डॉट में जाने के बाद ये सेव पोस्ट मतलब सेव करेंगे, वो यहाँ पे आपके सेव पोस्ट में शो हो जाएगी। और बाद में अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप यहाँ पे सिर्फ सेव पोस्ट देखते हैं तो आपको याद में रहेगी वो पोस्ट या वो मोमेंट या वो जो भी आप के लिए ज़रूरी होते हैं, जो आप पोस्ट सेव करेंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की आपको टिप्स एंड ट्रिक्स जो अमेजिंग फीचर्स आपको बहुत ही पसंद आए होंगे। अगर आज कोई आपके ये वीडियो और ये फीचर्स और ये ट्रिक्स पसंद आए, तो काइंडली आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर आज की आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वीडियो के दरमियान में गोल सा बटन आ रहा है, उसको आपने क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपने आने वाली वीडियो से बेहतर बेहतर लाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। मुझे दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।